शिवमोगा में बजरंग दल कार्यकर्ता हर्षा की हत्या के विरोध में सोमवार को हिंसा हुई। तनाव को देखते हुए शहर में धारा 144 लागू की गई है। स्कूल कॉलेज वहां पर बंद कर दिए गए हैं और पुलिस ने नदीम और काशिफ समेत हत्या के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हर्षा की हत्या के विरोध में बजरंग दल ने आज बंद बुलाया है। आज सुबह भी हिंसा की कुछ घटनाएं वहां पर सामने आई। No, the situation is now under control. Still, we want to control all kind of even stray incidents which happen in, say, in deep places or in the outskirts. That also our officers have been placed in the patrolling part. So if the city comes to the normalcy, then we will relax our bandhavas. कर्नाटक के शिवमोगा में युवक की हत्या के बाद वहां पर तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं। हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा शिवमोगा पहुंचे, वहां पर हर्ष की हत्या के बारे में उन्होंने जानकारी जुटाने की कोशिश की है। युवा ब्रिगेड के संस्थापक चक्रवर्ती से उन्होंने खास बातचीत की। सर, एब्सोल्युटली देखने से ही पता चलता है ये सब रेडिकलाइज्ड माइंड्स का काम है। जो पुलिस पकड़ी है 5 लोगों को, उनमें से एक लड़का तो 20 साल का है। अगर वो 35 साल तक भी ये काम करता है तो और 15 साल शिवमोगा को ये झेलना पड़ेगा। तो जब हिजाब का मामला यहाँ शुरू हुआ, सब लोग जानते हैं शिवमोगा वॉज नेवर क्वाइट। सर, आज सब लोग बोलते हैं शिवमोगा बहुत ठंड था, आज ये होने के बाद ऐसा हुआ। नहीं सर, शिवमोगा कभी भी वो तो ज्वालामुखी पर ही था। तो शिवमोगा में रेडिकलाइज्ड माइंड बहुत भी थे, तो मुझे उसी लिए लगता है तो गवर्नमेंट को सब पता था। शिवमोगा किसी का मर्डर होना ही है, ऐसे गवर्नमेंट को पता था। इंटेलिजेंस भी अगर होता ही होगा तो मुझे इसके पीछे लगता है PFI जो है, जिसने हिजाब का मामला छेड़ा, SDPI जिसके पीछे है, मुझे लगता है शायद उन्हीं का हाथ इसके पीछे भी हो सकता है। क्योंकि ये तो हिजाब का कंटिन्यूड मामला ऐसे सब लोग कह रहे हैं, बिकॉज ही शेयर्ड एंटी हिजाब पोस्ट ऑन हिज फेसबुक एंड दैट वॉज द रीजन दे किल्ड हिम दिस ए। सो इफ दैट इज ट्रू, वो अगर सच है तो मुझे लगता है PFI is totally behind this issue. एक चीज ये भी देखने आएगी, जब क्रिमेशन हो रहा था तो वहाँ पे भी कुछ इस तरह के वीडियोज आ रहे हैं कि स्टोन पेल्टिंग हो रही थी, क्या इस तरह के इंसिडेंट भी हुआ था कल? एब्सोल्युटली सर, जब उसका शव यात्रा हो रही थी तो तभी ये गली में जब जा रहे थे तभी स्टोन पेल्टिंग हुआ। तो ये भी बहुत अजीब सी बात है, अगर हिंदू समाज में कोई कुछ गलत कर देता है तो हम कहते हैं हम हिंदू ही नहीं है, ऐसे गलती तो हम मान नहीं पाएंगे, हम उसको गाली देते हैं। लेकिन कोई एक मर्डर करता है और पूरे समाज उसके सामने आके खड़ा होता है और कहता है हम उसके खातिर लड़ेंगे, हम उसके खातिर स्टोन पेल्ट करेंगे। तो ये भी कल घटना हुई, तो जब उसकी शव यात्रा हो रही थी तभी ये घटना हुई, इसका मतलब है दे आर वेरी स्ट्रांग। एंड थर्ड थिंग यू हैव टू नोटिस इज, बाद में उन्होंने एक ट्विटर ट्रेंड भी किया, उसमें कहा गया कि सेव शिवमोगा मुस्लिम्स, ये लोग ही मर्डर करते हैं, ये लोग ही स्टोन पेल्ट करते हैं, और बाद में विक्टिम कार्ड ऐसे प्ले करते हैं कि सेव शिवमोगा मुस्लिम, जैसे दुनिया में लगे कि शिवमोगा के मुस्लिम बहुत डरे हुए हैं, बहुत प्रॉब्लम में है। इनका जो रेगुलर जो पैटर्न है वही पैटर्न यहाँ भी चल रहा है। तो मुझे लगता है इसके पीछे बहुत प्लान्ड स्ट्रक्चर्ड व्यवस्था इन लोगों ने किया है, तो इसके तहत ये काम हुआ है। तो ये यहाँ नहीं रुकेगी, ये तो आगे चलेगी, ये तो गवर्नमेंट को अब देखना है वो क्या करेंगे। सिर्फ 2-3 लोगों को पकड़ के वो कहेंगे कि हमने पकड़ लिया, या आगे जाके जिन लोगों ने इनको प्रोटेक्ट करने का प्रयास किया उनको भी वो कुछ करेंगे, तभी विश्वास आएगा, नहीं तो गवर्नमेंट से विश्वास उड़ जाएगा। कौन लोग इसके पीछे हैं, कौन ऑर्गेनाइजेशन है, और आपको लगता है कि क्या गवर्नमेंट जो है फेल रही है उसको एंटिसिपेट करना है? सर डेफिनेटली सर, अगर हिजाब का इश्यू ही है तो ये PFI CFI और SDPI का खेल होगा। अगर हिजाब का इश्यू नहीं है तो इसके पीछे भी रेडिकलाइज्ड माइंड, जो वहाँ भी माइंड्स आजकल बहुत बढ़ रही है, तो इनका ही कोई हाथ होगा। तो ये यहाँ के ही लोग हैं। तो पहले हमको कहा जाता था कि बाहर के मडिकेरी से या कुडगू से लोग आके मार के गए, लेकिन आज तो कहा जा रहा है कि शिवमोगा के लोगों ने ही मारा। तो ये भी मुझे लगता है यहीं के लोग हैं, यहीं के ऑर्गेनाइजेशन को ही कर सकते हैं इसको। क्या आपको लगता है यहाँ पे PFI SDPI? डेफिनेटली सर, डेफिनेटली, ये तो पूछने की बात ही नहीं है। मैं उसी लिए कह रहा हूँ ना, लोग कहते हैं शिवमोगा शांत था, शांत कभी नहीं था, शिवमोगा वॉज हाईली एक्टिव, शिवमोगा में रेडिकलाइज्ड माइंड कभी भी थे, तो आज भी है और ये बढ़ते रहेंगे अगर इसको कंट्रोल करने का प्रयास नहीं हुआ। बहुत लोग ये भी कहते हैं शिवमोगा में ड्रग वगैरह इतना बिकता है और इतना मिलता है इन लोगों को, उसी की वजह से भी ये होता है। तो मैं यहाँ के MLA यहाँ के MP को कहता हूँ कि आप सब लोग इसके विरोध में ही हो, तो आप सब लोग ये काम करो, इसको बंद करवा दो, ये रेडिकलाइज माइंड जो करते हैं उनको पकड़ो, उनको अंदर करवा दो, तो शिवमोगा शांत हो जाएगा, नहीं तो कितने दिन तक ऐसे ही झेलते रहेंगे हम लोग।
तो युवा ब्रिगेड के आप संस्थापक को सुन रहे थे जो कह रहे हैं इसके पीछे दरअसल रेडिकलाइजेशन है, कट्टरता है और जरूर पीएफआई का कनेक्शन वो बता रहे हैं कि जो हिजाब विवाद हुआ उससे ये पूरा मामला कनेक्टेड है। वहीं हमने सुना है कि तमाम बीजेपी के नेता हैं वो भी कहीं ना कहीं ये कनेक्शन जोड़ रहे हैं, लेकिन जो कर्नाटक के गृह मंत्री हैं उन्होंने कहा था कि फिलहाल उन्हें नहीं लगता कि हिजाब विवाद से इस पूरे मामले का कोई कनेक्शन है। और हर्षा की हत्या के बाद उसके परिवार वाले क्या कह रहे हैं वो भी सुन। ಹಿಂದೂ ಅನ್ನೋದ್ ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಇನ್ನೇನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹಿಂದೂ ಹಿಂದುತ್ವ ಹಿಂದೂ ಹಿಂದುತ್ವ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಿಗೂ ಕೈ ಮುಗಿದ್ ಬೇಡ್ಕೋತೀನಿ, ಮುಸ್ಲಿಂಗೂ ಬೇಡ್ಕೋತೀನಿ, ಹಿಂದೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಬೇಡ್ಕೋತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂಗ್ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಿ ಹೊರತು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿಪ್ಪ. नजर था, नजर था, उन्हें ज्यादा हिंदू पर ये करता था ना, इसलिए नजर था उसके ऊपर। ऐसा होता करके किसे भी मालूम नहीं था, सड़न शॉक ऐसा। ऐसा बच्चे के लिए अब हिंदू होना का तो वो क्या हुआ उसका फैसला वैसा ही देना, अब वो हमारा बच्चा को कैसा हुआ वैसा ही उसे भी ये करना। तो जो परिवार वाले हैं वो भी कहीं ना कहीं हिंदुत्व को इसके लिए मान रहे हैं कि हिंदुत्व का बहुत ही मुखर तौर पर ये बात करता था हमेशा, हर्ष और गौ तस्करी की बात हो, ये जो तमाम मामले हैं उसी की वजह से उसको ये टारगेट किया गया। यहां पर आपको ध्यान करना चाहिए वो तस्वीर, याद कीजिए मुस्कान नाम की लड़की, वहां से पूरे विवाद की शुरुआत हुई थी हिजाब विवाद की। कर्नाटक के मंडिया जिले में हिजाब पहनकर कॉलेज में पढ़ना चाहती थी और जब कॉलेज के ही कुछ हिंदू छात्रों द्वारा उसका विरोध किया गया तो उसने अल्लाह अकबर के नारे लगाए थे। इस मुस्लिम छात्रा को हमारे देश के कुछ लोगों ने बहादुर बताते हुए इसे कैश प्राइज दिया और इसकी बहादुरी के लिए इसे सम्मानित भी किया। लेकिन इस मामले में जिस लड़के द्वारा हिजाब का विरोध किया जा रहा था उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई, लेकिन अब ये लोग इस पर पूरी तरह चुप हैं। सोचिए, हिजाब के समर्थन में अल्लाह अकबर के नारे लगाने वाली मुस्लिम छात्रा बहादुर है, उसे शेरनी बताया जाता है, लेकिन जो युवा हिजाब का विरोध करता है उसकी हत्या कर दी जाती है। हर्ष, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने हिजाब के खिलाफ जो प्रदर्शन हुआ उसमें वो भागीदार था और उसी वजह से उसको टारगेट किया गया। और वहीं आप देख रहे हैं मुस्कान नाम की लड़की, आपको याद होगा किस तरह से अल्लाह अकबर के नारे लगाए गए थे और उसे शेरनी बताया गया था, बहादुर बताया गया था और पूरा समुदाय उसके साथ जाकर खड़ा हो गया था कि उसने बिल्कुल सही किया। लेकिन अब वो तमाम लोग चुप हैं जब हर्ष की निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है, बिल्कुल मौन, सन्नाटा पसरा हुआ है, उसके लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। तो मुस्कान को तो सम्मान दिया जाता है लेकिन हर्ष की हत्या कर दी जाती है और हत्या की वजह का बताई जा रही है कि उसने हिजाब के खिलाफ जो प्रदर्शन हुआ उसमें हिस्सा लिया। तो शिवमोगा में बजरंग दल कार्यकर्ता हर्ष की हत्या के विरोध में सोमवार को हिंसा हुई। तनाव को देखते हुए शहर में धारा 144 लागू की गई, स्कूल कॉलेज वहां पर बंद कर दिए गए हैं, तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं। अंतिम संस्कार के दौरान भी आपको याद होगा वो तस्वीरें किस तरह से पथराव किया गया, आगजनी हुई, लोगों का गुस्सा वहां पर बेकाबू हो गया और लोगों को वहां कंट्रोल करने के लिए हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी। पुलिस ने नदीम और काशिफ समेत हत्या के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हर्ष की हत्या के विरोध में बजरंग दल ने आज बंद बुलाया है। हर्षा को किसने और क्यों मारा? सड़क पर गाड़ियां फूकी जा रही थी, धुएं का गुबार डरा रहा था, पत्थर फेंके जा रहे थे, शहर में धारा 144 लागू थी, चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा था। कर्नाटक के शिवमोगा में हर्षा नाम के एक युवक की हत्या के बाद तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अब सवाल है कि हर्षा को किसने और क्यों मारा? आखिर हर्षा की हत्या पर हिंदू मुसलमान की सियासत क्यों हो रही है? मैंने मुसलमान कुंडा गुलो कोले मटी दारे शुमके दली हिंदू कुड़ा ये मुसलमान का बाला बिच्छर ले ला आदरे मन्ने ननिष्ठ मात्र हेल बल्ले ये दृष्टि गई।
के एस ईश्वरप्पा कर्नाटक के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री हैं। उन्होंने मुसलमान गुंडों शब्द का इस्तेमाल किया और दावा किया कि हर्षा की हत्या मुसलमान गुंडों ने की है। तो कर्नाटक में हिजाब विवाद अभी थमा भी नहीं था कि शिवमोगा में एक शख्स की हत्या ने सांप्रदायिक रूप ले लिया और इस सांप्रदायिक आग की लपटें दिल्ली तक आ चुकी हैं। वहीं हत्या पर सियासत भी शुरू हो गई है और जानकारी के लिए इस वक्त हम रुक करेंगे, हमारे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ हैं। जितेंद्र, आप बात कर रहे थे युवा ब्रिगेड के संस्थापक से, आप वो भी कह रहे थे कि कनेक्शन तो हिजाब विवाद से ही जुड़ता है, इसीलिए हत्या की गई। बीजेपी के भी हम अलग अलग नेताओं के अलग अलग बयान सुन रहे हैं जिसमें कोई इसे हिजाब विवाद से जोड़कर देख रहा है, लेकिन वहीं जो कर्नाटक के गृह मंत्री हैं वो उनका कल जो स्टेटमेंट आया था वो कहते कि इसमें आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। अब जो जांच पड़ताल की जा रही है वो किन एंगल्स को लेकर आगे बढ़ रही है? देखिए मीमांसा, इसमें जो शिवमोगा पुलिस है उसने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, काशिफ और नदीम है, तीसरे का नाम अभी नहीं बताया, लेकिन दोनों मुस्लिम हैं। तो ये बात साफ है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के हिजाब से जोड़ा जा रहा है। हालांकि पुलिस जरूर ये कह रही है कि इस पूरे मामले की में जो हत्या की वजह है वो आपसी रंजिश है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हर्षा बजरंग दल का कार्यकर्ता था। और यहाँ पर जिस तरह चक्रवर्णी ने कहा कि यहाँ पर PFI, SDPI और कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया काफ़ी एक्टिव है और हर्षा जो कि हिजाब मुद्दे को लेकर के काफी जो प्रोटेस्ट हुए हैं यहां पर कि हिजाब को बैन किया जाना चाहिए, उसके साथ काफ़ी एक्टिव था, उसको लेकर के लगातार वो स्कूल कॉलेजेस के अंदर प्रदर्शन कर रहा था, वो जो पोस्ट है वो भी फेसबुक में डाल रहा था। अब इसके पीछे हो सकता है कि कोई पुरानी रंजिश भी रही हो, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जो हिजाब वाला मुद्दा है कि इसने भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को ट्रिगर किया हो। अगर मैं इस पूरे इलाके की बात करूं, क्योंकि मैं पिछले काफ़ी समय से जब से ये हिजाब का मुद्दा हुआ है तब से मैं कर्नाटक में ही हूँ, उडुपी में जहाँ से इस विवाद की शुरुआत हुई है वहाँ पर भी हमने हालात को देखा, अब मैं शिवमोगा में हूँ, और जब ये विवाद की शुरुआत हुई थी तो जो पूरे कर्नाटक में जिस तरह से लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, चाहे वो पक्ष में हो चाहे वो विरोध में हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये सेंटिमेंट जरूर था कि आपस में जो दोनों समुदाय के लोग थे वो काफ़ी एग्रेसिव थे, यानी कि कहीं ना कहीं जहां उनको मौका मिल रहा था वो आमने सामने आ रहे थे। हालांकि उडुपी में जरूर हमें ये जो इस तरह की जो आमने सामने आ रहे थे वहां पे शांत था, वहां पर इस तरह से एग्रेशन नहीं देखने को मिली थी, आमने सामने जरूर आ रहे थे, लेकिन शिवमोगा में इससे पहले भी हमने देखा कि झड़पें हुई हैं, पत्थरबाजी हुई है, या सिचुएशन की अगर हम बात करें तो टेंस है। और ठीक इसी तरह की बातें चक्रवर्णी कर रहे हैं कि यहाँ पर सिचुएशन कभी भी शांत नहीं रही है, कहीं ना कहीं वो कह सकते हैं कि ज्वालामुखी था जो कभी ना कभी फटना था, जो इसी कगार पर था, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं रेडिकलाइजेशन जो है वो लगातार हो रहा है। अब उसके पीछे वजह क्या है, क्या उसके पीछे PFI है, क्या उसके पीछे SDPI है, या इसके पीछे दूसरी इस तरह की कट्टरपंथी सोच वाले लोग हैं जो कि इस मुद्दे को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि PFI इस तरह के मुद्दे को लगातार लेकर के आगे बढ़ती रही है। हिजाब मुद्दे को लेकर के कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, SDPI या PFI लगातार मदद कर रही है, कांग्रेस पार्टी है उसके जो मुस्लिम नेता है वो लगातार खुल करके बयान दे रहे हैं हिजाब के पक्ष में। तो कहीं ना कहीं अगर हम इस पूरे इलाके की सिचुएशन की बात करें तो हिजाब मुद्दा जरूर है, लेकिन इसमें पुरानी रंजिश का फायदा उठा करके किसी ने इस मौके का फायदा उठाया है इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इस समय जो सरकार की कोशिश ये है कि इस पूरे इलाके के अंदर शांति व्यवस्था बनाई रखी जा सके। जो सिगेटी इलाका है जहाँ पर हर्षा रहा करता था, यहाँ से कुछ दूर पर भारतीय कॉलोनी है, वो रात को रविवार रात को 9:30 बजे खाना खाने के लिए गया था और जब वो वहाँ पर पहुंचा था अकेला था तभी 4-5 युवक ने उसको घेर करके उसकी हत्या कर दी थी। उसके बाद से सिगेटी जो इलाका है जहाँ पर हर्षा, क्योंकि मैं अभी इस समय ठीक हर्षा के घर के बाहर खड़ा हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हर्षा घर है, लेकिन ये जो पूरा इलाका है, ये जो पूरी कॉलोनी है, गलियाँ हैं, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय रहते हैं और इस पूरे इलाके के अंदर हर पॉकेट्स में अगर मैं कहूं जो भी गली का एंट्रेंस है वहां पर पुलिस तैनात है, बैरिकेडिंग कर दी गई है। तो इसका मतलब साफ है कि ये जो पूरा इलाका है यहां पर सिचुएशन तनावपूर्ण बनी हुई है, दोनों समुदाय के बीच में तनाव है। आपने बताया कि तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ भी की जा रही है और हर्षा की हत्या के लिए जिम्मेदार कौन है, कोई समूह इसके पीछे काम कर रहा है, और जो PFI के कनेक्शन की बात की जा रही है अगर वाकई वो जिम्मेदार है तो फिर कार्रवाई होनी चाहिए। और हालांकि NIA जांच की भी मांग कई लोग कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक करें, पर रुक रहे हैं, लौटते हैं। प्रेजेंटिंग B News App, अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store. डाउनलोड इट नाउ।